बताया तो लक्ष्मण जी बहुत सारी बातें बताई थी, रोज ट्वीट कर रहे थे कि लाशें बह रही हैं यहाँ पे। सुनने वाला कौन था? सुनने वाले तो ये ज्यादा थे कि अखिलेश जी आ जाएंगे तो गुंडे माफिया आ जाएंगे, मुसलमान आ जाएंगे। तो जनता ने, जनता को तो ये लग रहा था कि मुसलमान आ जाएंगे तो क्या क्रांति हो जाएगी। लेकिन आज का विषय ये है कि जब रिजल्ट आया, उस रिजल्ट के बाद जो मेरे बहुत सारे सेकुलर दोस्त थे उन्होंने भी मुझसे कहा, जिनको मैं बिल्कुल 100% सेकुलर मानता था, उन्होंने मुझसे कहा, संजय जी अब इस मुल्क में वो कोई ऐसी पार्टी नहीं होगी जो पहले की तरह मुसलमानों की खुल के बात कर सके, क्योंकि जिस पार्टी ने मुसलमानों की बात करी उस पार्टी का हाल बुरा हो जाएगा, क्योंकि अब इस देश में जो उफान आ गया है हिंदुत्व का, उस पर आप मुसलमानों को नेपथ्य में रख के बात कर सकते हैं। और मैं जो घटनाएं हो रही हैं उसमें देख भी रहा हूँ, कोई पार्टी हो विपक्ष की खुल के मुसलमानों के साथ खड़ी नजर नहीं आ रही, अल्पसंख्यकों के साथ, दलितों के साथ खड़ी नजर नहीं आ रही। लक्ष्मण जी आप बहुत इंटेलेक्चुअल हैं, बहुत अच्छी बात करते हैं, इस परिवेश में परिवर्तन होगा या ये अभी और बढ़ेगा? बहुत शुक्रिया संजय जी इस बेहद अहम मसले पर बात करने के लिए, और शुक्रिया आपका इसलिए भी कि आपने उन विषयों पर बहस नहीं की कि 15 साल में कैसे अखंड भारत देश बन जाएगा, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया तो अब उस पर बात कर रही है। कल्पना करिए कि पीओके ले नहीं आ पाए, लेकिन टीवी चैनल पर बैठ करके एंकर प्राइम टाइम में पूछता है कि कैसे आप ईरान को यहाँ ले आएंगे, मतलब ये सवाल भी कैसे पूछा जा सकता है। ये होता है एजेंडा सेटिंग की, उसी पर बातचीत हो कि वो 15 साल में अखंड भारत बनाने वाले। शुक्रिया इसलिए भी कि आपने जो सवाल पूछा है वही पलट करके इस तरह के प्लेटफॉर्म का होना क्यों जरूरी है, ये बात कहना भी है कि जिस समय टीवी पर बैठ करके सीधे तौर पर बहसें जो हो रही हैं वो ये हो रही हैं कि अगर मस्जिद के सामने से हम जाएंगे तो आप पत्थर मारेंगे, और अगर आप पत्थर मारेंगे तो हम बुलडोजर चलाएंगे, हम आपको दोषी और आतंकवादी दंगाई, इन विशेषणों के साथ टीवी पर बहस हो रही है। अगर टीवी कोई देखेगा तो वो साफ तौर पर मान लेगा कि इस देश में जितने भी मुसलमान हैं वो दंगाई होते हैं, मस्जिद में पत्थर रखे जाते हैं, अगर आप भगवा लेकर जाए तो वो अनायास पत्थर आप पर बरसा देंगे, वो दंगा करने के आदि होते हैं, मुसलमान नौजवानों को कोई काम नहीं होता है। लेकिन मुझे जहां तक याद आ रहा हरियाणा का, ये हरियाणा की घटना है क्या कि कब्र को तोड़ करके उस पर हनुमान मंदिर बनाया जा रहा है, तो यानी कि कब्र भी पत्थर मार रही थी, कब्र भी गई थी नारा लगाने। ये हो रहा है इस देश में और ये बहुत चिंता का विषय है डॉक्टर। एक मिनट में रुकूंगा। एक फोटो वायरल हो रही है, जिस व्यक्ति के हाथ कटे हैं उसको भी हाँ पत्थरबाजी के लिए FIR। बिल्कुल बिल्कुल, और बुलडोजर बुलडोजर चल गया, FIR हो गया। कहना मेरा संजय जी ये है कि इस पूरे बातचीत पर, इस पूरी विमर्श का, क्योंकि हम लोगों का दायरा बहुत सीमित होता है, हम लोग शायद अपने कंफर्ट जोन में बैठ करके किसी विश्वविद्यालय में पढ़ने पढ़ाने का मौका भी मिल गया है, हमारे हाथ में तलवार नहीं है, हमारे हाथ में परिवार वालों की वजह से, संविधान भारत के मंडल कमीशन की वजह से कलम आ गई, और उस कलम से शायद हमें एक प्रिविलेज मिल गया कि हम दिल्ली जैसी जगह पर रह करके पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, इसलिए हो सकता है हमारी बातें उथली लगे। और अक्सर मुझे लगता है संजय जी इस तरह के विषयों पर जब भी हम बोलते हैं ऐसा लगता है कि हम औपचारिकता निभा रहे हैं, हम अपनी नजरों में अच्छा बने रहने के लिए बोल रहे हैं कि बहुत बुरा माहौल है, ये गलत हो रहा देश में, असल में इसका कोई मायने नहीं रहा। और हकीकत ये है कि इस देश में सांप्रदायिकता अब एक इनबिल्ट सॉफ्टवेयर की तरह फीड कर दी गई है, ये अब कोशिश करने की जरूरत, इस समय जो हो रहा है वो तो अप्रशासित है, वो तो एक डेमो लेकर के दिखाया जा रहा है, जरूरत नहीं है इस बात की कि मस्जिद के सामने से आप रथ यात्रा लेकर के मुसलमानों को मां की गाली देते हुए रामनवमी की यात्रा निकाले। करौली में जो हुआ वहां पर डीजे पे आप गाना बजा रहे थे कि टोपी वाले सर झुका के उनका नारा लगाएंगे, और हम जैसे लोग की भूमिका क्या बची है कि हम एक विश्लेषण कर रहे हैं। मुझे कई बार लगता है संजय जी हम बहुत उथला काम कर रहे हैं, मगर चूंकि हम इससे ज्यादा अभी हमारी भूमिका जो है, चूंकि हम बहुत कमजोर कंफर्ट जोन वाले लोग हैं, तो हमारी भूमिका ये है कि इस भी जिस भी प्लेटफॉर्म पर बैठे उस प्लेटफॉर्म पर बैठ करके कड़े शब्दों में साफ तौर पर एक मजम्मत करती हुई बात कहें कि इस वक्त मुसलमानों पर क्या बीत रहा है ये एक मुसलमान ही महसूस कर रहा है। सच बात ये
जितनी जलालत, जितना अपमान, जितनी पीड़ा, और जिस तरह, और फिर भी उसके धैर्य का इम्तिहान लिया जा रहा है। तो एक तो ये हो रहा है, और फिर आपके सवाल पर लौट रहा हूं। आपका सवाल संजय जी ये था कि क्या हमारी राजनीति में अब इतना भी हौसला नहीं बचा, इतने भी स्पष्टता नहीं बची है कि अगर आप सेकुलर प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक होने का दावा करें तो आप मुसलमान शब्द का इस्तेमाल तक नहीं कर पा रहे, आप ये तक नहीं कह पा रहे हैं कि इस देश में मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। फिर आपके, अब चूंकि उत्तर प्रदेश से मैं भी जुड़ा हूं, आपका चैनल भी है, ठीक बात है, ये बात है कि बहुत बुरा वक्त है। इन नेताओं को लगता है कि आज अगर हम मुसलमान की बात करेंगे तो हमें मुस्लिम परस्त घोषित कर दिया जाएगा और हमारा वोटर हिंदू नाराज हो जाएगा, ये सारे विपक्षी दलों को लगता है। अब मेरे सवाल का जवाब दें ये लोग, आप मुसलमानों का नाम नहीं ले रहे हैं तो क्या आपको मुस्लिम परस्त नहीं घोषित किया जा रहा है? सही बात है, सही बात है। कितनी विडंबना है आपकी, मुल्ला मुलायम किसके लिए बोला जा रहा है? अरे अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे थे जो मुलायम सिंह यादव की छवियों को पूरी तरह से बदल देना चाहते थे, अपनी नई छवि गढ़ रहे थे, और कार सेवकों पर गोली चलाने वाली बात इस यूपी इलेक्शन में लाई गई कि नहीं लाई गई? तो आप तो बात नहीं कर रहे थे मुसलमानों की, अरे फिर किस बात के लिए बैकफुट पर आप खेलते हैं? आप क्या आप मुसलमानों का नाम नहीं लेंगे तो कांग्रेस के मुस्लिम तुष्टिकरण का जो उसके ऊपर छवि कैद हुई है वो धुल जाएगी? मैं ठीक बात कह रहा हूं कि इन राजनेताओं में एक नैतिक साहस भी नहीं बचा है, ईमानदारी भी नहीं बची है। आप वैसे भी परशुराम का फरसा लेकर के 90% वोट ब्राह्मणों का गया बीजेपी की तरफ, ये तो डेटा कह रहा है, 95% गया होगा, मैं कह रहा हूं 5% जो बचा। और अलीगढ़ में हमने बोला था ये बात, मेरा भाषण चला करके सपाइयों को लोग कहे कि अरे देखो यादव होकर सपा का विरोध कर, अरे हम यादव होकर के तुम्हारे लोग, यादव लोग भाजपाई होने को तुले हैं। मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव ने राजनीतिक तौर पर इस पिछड़ी जातियों को सांप्रदायिकता के चंगुल से निकाला था, ये उनकी विशेषता थी। हाँ, एक सामाजिक और सांस्कृतिक काम भी मुलायम सिंह यादव और लालू यादव को करना था जो कांशीराम करना चाह रहे थे, कि सामाजिक और सांस्कृतिक तौर पर जो बाम सेव की एका बनी दलित पिछड़ा माइनॉरिटी, उसको एक सोशल कल्चरल रिफॉर्म की तरह ले आते, वो इन लोगों ने नहीं किया। तो हम तारीफ भी करते हैं, हम आलोचना भी करते हैं। मैं आज कह रहा हूं संजय जी, हम आग के ढेर पर खड़े, और उसके बाद मैं विश्वविद्यालय से आता हूं, विश्वविद्यालयों में आप खुलेआम संघ के लोग वाइस चांसलर बनाए जा रहे हैं, प्रिंसिपल बनाए जा रहे हैं। रविकांत जी जानते होंगे मीडिया में क्या हो रहा है, वो आप देख रहे हैं। कुल्हाड़ी का साथ जंगल की लकड़ियों ने इसलिए दे दिया कि उसमें लकड़ी हमारी है, और कट गए जंगल तो पछताने को भी आपके पास कुछ नहीं बचेगा। ये दलित पिछड़े आदिवासी लोग जो आपके चैनल को देख रहे होंगे, मैं उनसे अपील करता हूं, आप दो काम कर लो, एक तो अपने घर के लड़कों को दंगाई बनाने से रोक लो भाई, ये इस्तेमाल किए जाने वाले मुहरे बस हैं, ये किसी के बेटे बेटियां दंगे में नहीं जा रहे। और कल्पना करें जिस उम्र में हाथ में कलम होनी चाहिए, किताब होनी चाहिए, 14 अप्रैल को तुमने डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती मनाई, ट्वीट किया, माला पहनाया, और उसी समय तुम रामनवमी के नाम पर दंगा कराने के लिए हाथ में तलवार लेकर राम का नवमी का कौन शोभा यात्रा निकलता है, कट्टे लहराते हुए दंगे करते हो रॉड लेकर के, ये इन नौजवानों को। और वो क्या रहा देश में, 15 दिन में जितनी सांप्रदायिकता बढ़ी है, मैं जितने हमारे मुसलमान परिचित लोग हैं वो अपनी टिप्पणी तक नहीं करना चाह रहे हैं इस समय, कितने दिन तक आप उन्हें रोक पाएंगे? और आरएसएस तो चाहता है कि मुसलमान प्रतिक्रिया करें, जहां प्रतिक्रिया कर रहे हैं वहां उनका काम हो रहा है, और ये सब इसलिए हो रहा है कि इस देश में शिक्षा बर्बाद कर दी, बेचती। मैं बार बार कह रहा हूं, डॉक्टर अंबेडकर फूलों और मालाओं में मूर्तियों में कैद हो गए, लोहिया तो मूर्ति भी नहीं बन पाई लोहिया की, इसलिए ना लोहिया का विचार है ना मूर्ति है, डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति बची है, विचार कैद हो गए। इसलिए हम बेहद कठिन दौर में, और आखिरी टिप्पणी केवल यही है, इन राजनेताओं से तब तक मुझे कोई उम्मीद नहीं जब तक इनमें वैचारिक स्पष्टता नहीं, विचारधारा स्पष्ट करो। बीजेपी ने खुलेआम एक दुश्मन बना के 80% लोगों की राजनीति की, चुनाव जीत गए, आपका वैचारिक दुश्मन कौन है? आप क्यों नहीं सीधे, अरे भाई आप जनेऊ दिखाते हो जब मौका मिलता है, आप त्रिपुंड लगा के मंदिर में बैठ जाते हो, ये वैचारिक अस्पष्टता ने इस देश के सियासी गर्त में डाल दिया। तो इन नेताओं से तो कोई मुझे बहुत उम्मीद नहीं है संजय। मैं आम आवाम को, नागरिक बोध को संबोधित करते हुए केवल एक मासूम सी अपील, शायद मैं अपने चेहरे को बचाने के लिए
यही कर पा रहा हूं, एक औपचारिकता निभा रहा हूं कि अगर इस देश में कोई एक रिवॉल्यूशन की जरूरत है वो हो सकती है, और वो दो जगह पर हो सकती है, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट। अगर एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट को सोशल जस्टिस से देखें तो दलित पिछड़े आदिवासी 90% पसमानदा लोग, उनको शिक्षा रोजगार चाहिए, इस पर मोबिलाइज करिए, बचाइए इस देश को, वरना इन नेताओं के भरोसे, ये कहा था ना, अमन बेच देंगे चमन बेच देंगे, कलम के सिपाही अगर सो गए तो वतन के सिपाही वचन बचे देंगे। ये जो वतन के सिपाही थे अब इनमें साहस नहीं बचा है। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, ये क्या लड़ रहे हैं? इससे अच्छा तो तेजस्वी ने कम से कम विधानसभा में मुसलमान का नाम लेकर बोला कि मुसलमान दोयम दर्जे का नागरिक नहीं है। इनमें तो उत्तर प्रदेश के सियासतदानों में तो नैतिक साहस खत्म हो गया। ना आप पिछड़ों के रहे, ना आप दलितों के रहे, ना आप मुसलमानों के रहे, और आपको सब लोग वोट देते रहे अनिश्चित अनंत काल तक। यह संभव है, और अगर ये सांप्रदायिकता बढ़ती है तो इसका एक ही मात्र जवाब होगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पर एक यूथ मोबिलाइजेशन का रिवोल्यूशन, एक क्रांति, एक गुलगुलान, तभी इस देश को बचाया जा सकता, नहीं तो। शुक्रिया।